हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। तो हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, पढ़ रहे हम अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग जो है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सपोज हम करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट क्या है, जिसकी पोल स्ट्रेंथ अगर एम है तो उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स और बार मैग्नेट क्या होती है, एम इक्वल टू एम इनटू 2L मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होती है। यहां पर एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ, जहां पर एम पोल स्ट्रेंथ है, 2L डिस्टेंस लेंथ ऑफ द डायपोल है, 2L है आपका लेंथ ऑफ द डायपोल, लेंथ ऑफ डायपोल। देखो एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ ए बार मैग्नेट इज इक्वल टू एम इनटू 2L। स्मॉल एम जो यहां पर है पोल स्ट्रेंथ है और 2L क्या है यहां पर लेंथ ऑफ है डायपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल्स इज एनालॉग, जो मैग्नेटिक डायपोल है वो क्या है, इज एनालॉग टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है, सेम ऐसी हमने इलेक्ट्रिक डायपोल भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल किसका एनालॉग है, इलेक्ट्रिक डायपोल का। सेम है यहां भी क्या आता है, टू अपोजिट पोल है एंड इक्वल, यहां भी क्या है, टू अपोजिट चार्जेस हैं और इक्वल है, टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस हैं, यहां भी टू अपोजिट एंड इक्वल स्ट्रेंथ के पोल हैं। ठीक है, यहां पर जिसकी चार्ज है प्लस माइनस क्यू से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जो टू चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, अगर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस देन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से हम पढ़ते हैं ई इक्वल टू क्यू इंटू 2a, where 2a क्या है, डिस्टेंस है, q into 2a। सेम लग रहा है द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका एनालॉग ये है, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b टू द मैग्नेटिक डायपोल, जो b है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक डायपोल कैन बी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड can be obtained from the equation of electric field due to the electric dipole making the following changes। देखो कब changes होते हैं आपके, E किसमें, B की बात कर रहे हैं, LC जो आपका change किसमें हो रहा है, electric dipole moments, magnetic dipole moments में change हो रहा है। इसके अलावा इसके अंदर हमने एक चीज और पढ़ी थी, 1/5 electrostatic में 1/5 4 pi epsilon not पढ़ा था, जबकि हमने इसको refer किया था magnetic field में mu not upon 4π से। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, जो 1/ε0 किसको रिफर कर रहा है आपको, मी नॉट, सॉरी किसको रिफर करेगा, म्यू नॉट को रिफर करेगा। ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हम 1/4πε0 यूज करते थे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट अपॉन 4π। तो ये 1/ε0 म्यू नॉट को क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है। ठीक है, किसी फॉर एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट, डिस्टेंस हम क्या लेते थे, डी ली थी, जो भी लिया था डी, जो डी था वो बहुत ज्यादा था इन कंपेयर टू उस लेंथ के। तो यहां से एक्सियल कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कितना था आपका, बी ए हम फाइंड कर चुके हैं, म्यू नॉट अपॉन कितना, 4π इंटू 2m अपॉन डी क्यूब इंटू 2m अपॉन डी क्यूब, ये पढ़ा था। ऐसी हमने इक्वेटोरियल पॉइंट्स की बात की थी, बी इक्वेटोरियल की बात की थी, म्यू नॉट अपॉन 4π एम अपॉन डी क्यूब। ठीक है, तो ये क्या है, सिमिलरली हम एनी पॉइंट में ऐसे निकाले थे इस टर्म को रिफर करते हुए। ये तो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। इसके अलावा और भी कंपेयर डायपोल एनालॉग की बात करते हैं, तो डायपोल मोमेंट्स की बात, डायपोल मोमेंट्स देखो ये तो ठीक है, अगर हम डायपोल एनालॉग की बात, एनालॉग को स्टेबल बनाते हैं तो डायपोल मोमेंट्स देखो, यहां पर डायपोल एक टाइप का कंपेयर है, डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में P
पी से वहां मैग्नेटिक फील्ड में, एम से डायपोल मोमेंट को। ऐसी सो करते हैं, ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करते हैं, एक टॉर्क की बात करते हैं। यहां तो क्या है इसके बाद टॉर्क की बात करते हैं, दोनों में हमने टॉर्क निकाला था, टॉर्क निकाला था, तो एक में आया था पी क्रॉस ई, एक में आया था एम क्रॉस पी क्रॉस ई, एक में आया था एम क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड में। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी यहां पर माइनस पी डॉट ई, यहां पर माइनस एम डॉट बी आई थी। ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं क्या क्या हुआ है। ये तो है आपका एनालॉग। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है मैग्नेटिज्म एंड गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने गॉस लॉ पढ़ा था, ऐसे ही यहां पर भी हम गॉस लॉ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है आपका नेट मैग्नेटिक जो फ्लक्स है किसी एनी क्लोज सरफेस से, हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाई भी लिखेंगे, वहां पर फाई ही लिखा था, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्या होता है जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई भी थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, ये क्या होता है किसी क्लोज सरफेस में नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा जीरो होगा। तो क्या करता है ये लॉ सजेस्ट, सपोज ये क्लोज सरफेस है, देखो इसको हमने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसको हमने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो बी क्या है यूनिफॉर्म। दिस लॉ सजेस्टेड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या सजेस्ट करता है मैग्नेटिक ये लॉ, यहां पर कोई एक चीज रखा है हमने एलिमेंट लिया जिसका हमने कहा डेल्टा एस एरिया एलिमेंट्स, ठीक है, यहां पर क्या सजेस्ट करेगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड लिविंग एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इट। सपोज ए क्लोज सरफेस एस है, हेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई क्लोज सरफेस एस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो क्या होगा, कंसिडर ए स्मॉल वेक्टर एलिमेंट लेते हैं हम डेल्टा एस ऑफ दिस सरफेस, इसके सरफेस पर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया एलिमेंट इज डिफाइंड एज डेल्टा फाइव ई इक्वल टू डेल्टा फाइव ई। देखो ये डेल्टा फाइव ई क्या क्या, छोटा सा एलिमेंट लिया था इसका एरिया एलिमेंट मैंने बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन क्या लिखी एन कैप ऐसे लिख दी, तो स्मॉल एरिया से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है डेल्टा फाइव ई इक्वल टू क्या होगा बी इंटू डेल्टा एस लिख सकते हैं। देखो कंसीडरिंग ऑल स्मॉल एरिया, बहुत छोटे छोटे एरिया से मिलकर बने होंगे ऑफ द सरफेस, वी ऑब्टेन द मैग्नेटिक फ्लक्स, वी ऑब्टेन द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाइव ई इक्वल टू क्या आएगा ए समीशन ऑफ टोटल, के लिए हम क्या निकाल सकते हैं या तो समीशन निकालते हैं ऑल डेल्टा फाइव बी ऐसे निकालते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, या ऐसा भी निकाल सकते हैं ये होगा ऑल समीशन ऑफ ऑल है ये ऑल मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स को ऑल बी डॉट डेल्टा एस है, डेल्टा एस ए नहीं है बी डॉट डेल्टा एस, ये क्या होता है जीरो होता है किसी क्लोज सरफेस से, हम ये जानते हैं पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है। इसके अलावा कंपेयरिंग द गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन एस ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन एस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात है ये मैग्नेटिज्म। तो यहां से हम क्या था डिफरेंस बिटवीन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड मोनोपोल्स कहलाते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। डिफरेंस बिटवीन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके अंदर से जो सारे
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स है, नेट जीरो है। मैंने पहली स्टेटमेंट ये पढ़ा था, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स भी थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक, यानी इस क्लोज सरफेस से क्या होने वाले हैं, मैग्नेटिक जो फ्लक्स पास हो रहा है जीरो होता है किसी क्लोज सरफेस से। ये तो है आपकी गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म में।